गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आई हूँ अभी छत से, मैं थोड़ा सा आज जल्दी उठी थी। और वैसे मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, रोज़ाना 6 बजे ही उठती हूँ। और उस आज थोड़ा सा पहले उठ गई थी क्योंकि मुझे ना गेहूँ धोने थे, तो मैंने छत पे जाके जो है गेहूँ धोए 20 किलो समथिंग आटा पिसाने के लिए। तो गेहूँ धुल के आई नीचे और पौधों में पानी लगा के आई नीचे। तो उसके बाद फिर मैं जो है सब्जी छीलने बैठ गई, सोचा कि सब्जी वगैरह छील लेती हूँ, उसके बाद ही फिर नहाने जाती हूँ। और क्लीनिंग का काम जो है सुबह वाला दीक्षा कर लेती है, झाड़ू वगैरह। तो मैं यहाँ पे सब्जी छील रही हूँ, उसके बाद एक भैया आ गए थे तो फिर बीच में चाय बनाई, तो फिर मैं सब्जी छोंकने भी लगी। मैंने कहा लाओ छोंकी देती हूँ। और बने रहिएगा वीडियो, मैं दिखाऊंगी आज आपको मैं नहीं बहू का डांस। महिला संगीत में आज मेरा जाना हुआ था, तो आज नहीं बहू का मैं डांस दिखाऊंगी आपको आगे। और एक हेयर ऑयल भी बना के दिखाऊंगी, बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। हेयर ऑयल भी मैंने एक बनाया है तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा है और आप लोग भी ट्राई करना, मतलब बहुत ही अच्छा है। जिनकी हेयर ग्रोथ नहीं होती उनके लिए अच्छा है, जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए अच्छा है, और नए मतलब नए हेयर उगने के लिए मतलब बहुत ही अच्छा है। तो बने रहिएगा वीडियो में। ये है एलोवेरा, इसको पहले हमने ऐसे ही जो है थोड़ा सा खड़ा कर दिया था, कट करके रख दिया था ताकि इसमें से जो जब कट करते हैं तो उसके बाद एक इसमें से एक पदार्थ निकलता है, वो निकल गया अच्छी तरह से, येलो कलर का था वो निकल गया। उसके बाद हमने किया इसको अच्छे से वॉश, और उसके बाद हमने इसकी ये साइड से जो किनारी है ये कट की हैं सबकी, और छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको भिगो दिया है अच्छे से वॉश करके। और इसको हम 10-15 मिनट भीगने देते हैं और मैं जा रही हूँ तब तक नहाने। और इधर मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है और आटा भी मेरा लगा रखा है, और मैं नहा के आती हूँ। नहा के आने के बाद मैं बनाऊँगी रोटी, और उसके बाद शाम को मैं इसका बनाऊँगी ऑयल। तो अभी इसको फिलहाल जो है 10-15 मिनट के लिए भीगने देते हैं और तब तक मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के मैंने रोटी भी बना ली और अपने लिए परोस भी लिया, लगा भी लिया अपने लिए खाना, क्योंकि भूख लगी है। और जब खाना तैयार हो जाए फिर उसके बाद तो भूख लगी आती है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ हो तब भी लगाती है। तो ये है आज का हमारा खाना, तोरई की सब्जी एंड दही और रोटी। तो ये है आज का हमारा खाना, और आप लोग भी खा लीजिए, और टाइम भी हो चुका है खाने का, 1 बज गया है। और आज मैंने खा लिया खाना, और जो एलोवेरा हमने जो भिगाया था पानी में उसको हमने निकाल के सूखने रख दिया, धूप में नहीं रखा है, छाया में ही रखा है, क्योंकि जो मतलब धुला था और भिगोया था तो जो पानी है उसके ऊपर वो सूख जाए बस। वैसे एलोवेरा को नहीं सुखाना हमें, केवल पानी सुखाना है, तो हमने बस छाया में ही उसको जो है रख दिया है सूखने के लिए। और शाम को बनाएंगे ऑयल तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, थोड़ी सी देर लेटूंगी, तो जा रही हूँ मैं लेटने। तो ये है एलोवेरा, इसका पानी जो है अच्छे से सूख गया है। उसके बाद हम इसको और थोड़ा छोटे पीस कर लेंगे, और मिक्सी के जार में हमने डाल लिया इसको, और फिर और हम आगे क्या क्या डालते हैं वो भी देख लीजिए। बहुत ही अच्छा ऑयल है, हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी इससे होती है और हेयर फॉल भी रुक जाता है। तो देखिए ये है ग्रेप सीड ऑयल, तो हमने ग्रेप सीड ऑयल को डाला है। और ये है कास्टर ऑयल, इसको हमें ज़्यादा नहीं डालना है, इसकी केवल हम 10-12 बूंद ही डालेंगे।
और ये है आंवला, आंवला हेयर ऑयल। तो इसको हमें पूरा डालना है जैसे हमने ग्रेप सीड ऑयल को डाला था। ग्रेप सीड ऑयल भी हमारा 100 ml था और ये भी शायद थोड़ा सा 100 ml से ज़्यादा है, तो इसको भी हमें पूरा डाल देना है। और उसके बाद इसको हमें अच्छे से जो है पैसा कर लेना है, पीस लेना है, यानी कि एलोवेरा हमारा जो है महीन हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से पीस चुका है। अच्छे से पीस गया है और अब आगे देखिएगा क्या करना है। ये हमने कढ़ाई रखी है गैस पे और उस पे हमने ये जो सारा मटेरियल जो भी है सारा डाल दिया है। और उसके बाद हमें स्लो फ्लेम पे रखना है गैस को। गैस को हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है, लो पे ही रखना है, लो फ्लेम पे ही रखना है और चलाते हुए धीरे धीरे इसको हमें पकाना है। क्योंकि अगर हमने गैस को तेज़ कर दिया तो इसके जो भी बेनिफिट हैं वो हमको नहीं मिल पाएंगे, जल जाएंगे। और इस वजह से हमें गैस को जो है स्लो फ्लेम पे ही रखना है। और उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे एलोवेरा जो है हमारा थिक हो जाएगा और ऑयल हमारा अलग हो जाएगा, एलोवेरा हमारा अलग हो जाएगा। उस तभी मतलब ये हमारा समझ लीजिए पक चुका है, बन चुका है ऑयल। उसके बाद हमने इसको एक कांच की शीशी में भर दिया है। कल इसको हम जो है एक कपड़े की मदद से छान लेंगे अच्छे से। और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, उस बोतल में नहीं बना है, ठंडा होने के बाद ही भरना है और फिर दूसरे दिन अच्छे से छान लेना है ताकि एलोवेरा हमारा बैठ जाए अच्छे से। और छान लेना है कपड़े से और फिर इसको यूज करना है। और यहाँ पे मैं आई हूँ हाथ मुंह धुल के, मुझे एक बुलावा में जाना है। हालांकि मेरा मन तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों मूड ऑफ है थोड़ा, मतलब बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मैं कहीं जाऊं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपको जाना ही पड़ता है, नहीं मन होते हुए भी जाना पड़ता है, क्योंकि चाहे व्यवहार समझ लीजिए या मन प्रेम समझ लीजिए। तो मैंने यहां पे एक सिंपल सी साड़ी निकाली है और बस मैं रेडी हो गई हूं जल्दी से फटाफट से, क्योंकि बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था जाने का। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर मैं बस कंगन चेंज कर रही हूँ। आज आज लग गई। नहीं वो छिप गई, पीछे हो गई, पीछे हो गई, पीछे थोड़ा सा चेहरा दिखा दो। तो ये है नई बहू, इन्हीं का जो है मेला संगीत था इनकी शादी का। लेकिन गाना मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम की वजह से गाना नहीं सुना सकते हम। और आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए किस गाने पे डांस हो रहा है। तो ये नई बहू है
और ये है दूसरी और लड़की। बस मैंने ज़्यादा लोगों का नहीं लिया, किया तो बहुत लोगों ने था, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती तो इस वजह से नहीं लिया ज़्यादा लोगों का। आ गई हूँ मैं वापस बुलावा से, और पता नहीं क्यों आज मेरा मूड ऑफ है। बिल्कुल जाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि आपको आपका मन नहीं है, मूड नहीं है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। चाहे व्यवहार समझ लीजिए या मन प्रेम समझ लीजिए, तो जाना पड़ा, मतलब गई थी। और अब बिल्कुल अभी अभी आई हूँ, और इस ऑयल को कल छान के दूसरी कांच की शीशी में भर के रख लूँगी और वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।